जय दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे उसके हम क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ ही साथ आंसर भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाता है तो हम इसे कैसे अटैम्प्ट करेंगे और कैसे हल करेंगे। क्योंकि दोस्तों किताबी लैंग्वेज या सीरीज की जो लैंग्वेज है उसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए मैं आपको इन सारे प्रश्नों का आसान से आपके अपने शब्दों में आंसर्स लेके आया हूँ। अब मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा और आपसे एग्जाम्स में जब पूछेगा तो उसको आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए 2022 में एक सवाल आपसे पूछा गया था कि शिक्षा के उद्देश्यों के आधार बताइए। अब यहाँ पे आपको सवाल समझना पड़ेगा कि सवाल कह क्या रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों के आधार, शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले ये समझिए कि शिक्षा के उद्देश्य का मतलब क्या हुआ और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि उसमें आधुनिक काल से बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता था। जैसे 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 समय बीतता गया शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होते गए। अब जैसे आप प्राचीन काल की शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे तो आज की शिक्षा उद्देश्य का एक और उद्देश्य है कि देश को या देश के विद्यार्थियों को इस लायक बनाना कि आने वाले खतरे से खुद के देश को बचा सके। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था क्योंकि प्राचीन काल में मानवता थी, इंसानियत था, एक दूसरे से प्रेम था, सद्भाव था। जैसे जैसे वक्त बदलता गया शिक्षा के उद्देश्य बदलते गए। प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य ये हो सकते थे कि एक बच्चा पेड़ पे अच्छे से चढ़ सके, उसको तैरना अच्छे से आता हो, खेती करना अच्छे से आता हो, पशुपालन अच्छे से आता हो। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हम धनुर्विद्या सीखते गए, हम घुड़सवारी सीखते गए, उसके आगे चले तो नए नए हथियारों का निर्माण करना, उनको चलाने की सीखना। इस तरीके से शिक्षा के उद्देश्य बदलते गए और आज आधुनिक भारत में शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल ही प्राचीन से परिवर्तन हो गया। सवाल आपसे ये कि आधार शिक्षा के जब आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो इसके कितने आधार हो सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य एक ये भी होता है कि इंसानों के अंदर इंसानियत हो, मानवता हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, ठीक है। ये एक आधार, ये एक आधार हो गया इस पे आधार पे। दूसरा आप वैज्ञानिक तौर पर अपने देश को कितने प्रगतिशील बना सकते हैं, तीसरा ये हो गया। एक और हो सकता है दोस्तों कि किस उम्र का बच्चा अगर कोई क्या सीखेगा, उसको कैसे पढ़ाना है, उस उम्र में उसकी क्या हो सकता है, एक ये आधार हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है शिक्षा के उद्देश्य की जब आधार की बात करेंगे तो मुख्य चार आधार पर आप शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित कर सकते हैं। वो चार आधार कौन कौन से हैं। पहला है आपका दार्शनिक आधार, ठीक है। दार्शनिक मतलब आपकी सोच क्या कहती है, शिक्षा को किस तरीके से रखना चाहिए, शिक्षा का क्या मतलब होता है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है। दूसरा है दोस्तों सामाजिक आधार, कि शिक्षा से समाज में क्या परिवर्तन आ सकता है, समाज को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। तीसरा है दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार, मतलब मन के जानने के लिए आधार जो हम शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते हैं इसके आधार पर। और चौथा है दोस्तों वैज्ञानिक शिक्षा के आधार, वैज्ञानिक आधार पर हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। तो ये चार दोस्तों हमारे साथ प्रमुख शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने के आधार हैं। अब आइए हम जरा देखते हैं कि एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे और इसको कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे पहला, शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य तथा समाज दोनों को दिशा प्रदान करते हैं, ठीक है। व्यक्ति तथा समाज दोनों ही कुछ आधारों पर शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण प्रक्रिया अनेक आधारों से विकसित होती है, मुख्य आधार पर इस प्रकार है, जिसमें पहला है हमारा दार्शनिक आधार। दार्शनिक मतलब फिलॉसफी में जब हम फिलॉसफर की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद दार्शनिक रहे, महात्मा गांधी हो गए, अरविंद घोष जी हो गए, ये सारे लोग दार्शनिक विचारक रहे हैं, एक दार्शनिक व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने क्या शिक्षा के उद्देश्य बताए, इनके आधार पर शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसीलिए एक दार्शनिक आधार होती है। जब हम दार्शनिक आधार की बात करते हैं तो हमारे कुछ शब्द आते हैं जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। ये सारे क्या है दोस्तों, ये दर्शन शास्त्र है, ये दार्शनिक है। इस आधार पर आप शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आदर्शवाद क्या कहता है, आदर्शवाद कहता है कि मनुष्य को ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही क्या है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा प्रेम है। तो इस आधार पर आप शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण दार्शनिक आधार पर होता है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा यथार्थवाद अपने अपने ढंग से शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। सब कोई अपना अपना शिक्षा का उद्देश्य मानता है। दर्शन जीवन को आदर्श प्रदान करता है, डेफिनेटली बात है, दर्शन क्या है, जीवन को आदर्श प्रदान करता है। यह दार्शनिक आधार जीवन तथा समाज की दिशा को निर्धारित करता है। आदर्श सर्वव्यापी और सार्वभौम होते हैं। सांस्कृतिक सुरक्षा तथा विकास, चिंतन मूल्यों की स्थापना दार्शनिक के आधार पर विशेष योग देता है। अब इसको जरा समझ जाइए,
जिस हिसाब से आपकी सोच होगी, जिस हिसाब से आपका दर्शन शास्त्र होगा, उसी आधार पर आपका शिक्षा होगा। ठीक है, आदर्शवाद के शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। वहीं प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृति से प्रेम करना, इस संसार में अपने आप को स्थापित करना। ठीक है, यथार्थवाद मतलब सच्चे अर्थ यथार्थ को जान लेना। तो जैसे जैसे आपकी दर्शन होगी उस आधार पर आपके शिक्षा के उद्देश्य होंगे। तो दार्शनिक आधार क्या हो गया? एक प्रकार का आधार हो गया जिसपे आप शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। दोनों आधार अलग अलग हो सकते हैं, प्रकृतिवाद के उद्देश्य कुछ अलग हो सकते हैं, दार्शनिक या आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य कुछ अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आधार अलग है। तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण करने के लिए हम आधार की बात कर रहे थे कि किस बेस पे हम शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स को हम निर्धारित करेंगे। इसमें हमारा पहला आदर्श आधार क्या हो गया? दार्शनिक आधार। दूसरा है दोस्तों सामाजिक आधार। अब इसको बस यूं समझिए कि जिस समाज की जो आवश्यकता होती है, जिस समाज की जो जरूरत होती है, उस आधार पर आप शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में समाज की जीवन शैली, सामाजिक मूल्य, सामाजिक एवं आर्थिक दशा भी योग देते हैं, मतलब महत्व देते हैं, योग देते हैं, जरूरत पड़ती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार छात्रों को इस प्रकार चारित्रिक शिक्षण प्रदान करना चाहिए जिससे वो प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में रचनात्मक ढंग से भाग ले सके तथा उनकी व्यवहारिक और व्यावसायिक क्षमता का विकास होए और जिससे वह देश को आर्थिक दृष्टि में समृद्ध बनाने में योगदान दे सके। तो ये हो गया दोस्तों सामाजिक आधार पर शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण। हम सामाजिक आधार पर भी देखते हैं कि इस शिक्षा से समाज का क्या फायदा होगा, क्या समाज में प्रेम सच्चाई, समाज कैसे हमारा आगे बढ़ेगा, समाज में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, इस आधार पर हम शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। चलिए अगला हमारा है किस आधार पे? मनोवैज्ञानिक आधार पे। मनोविज्ञान, देखो मनोविज्ञान का मतलब होता है मन को पढ़ना, आपकी आत्मा को पढ़ना, आपके अंतर शक्ति को पढ़ना। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व मूल्यों के आधार पर कि बच्चे का पर्सनल व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, व्यक्तित्व आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। जब से व्यवहार विज्ञान बिहेवियरल साइंस की में प्रगति हुई है तब से हम शिक्षा के आधार मनोवैज्ञानिक हो गए हैं। शिक्षा पहले अध्यापक केंद्रित थी, मनोवैज्ञानिक आधारों ने उसने बालक केंद्रित बनाया। शिक्षा को वांछित दिशा प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक आधारों का विशेष योग दिया गया। अब इसको जरा समझिए, जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना, आपका एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो इसमें इसको बड़ा विस्तृत तौर पर एक्सप्लेन किया जाता है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे बिहेवियरल साइंस का मतलब, आप जैसे पहले देखेंगे ना, पहले बच्चों को रट के, पहले बच्चों को मारा भी जाता था, अब नहीं मार सकते आप। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी आपको अलाउ नहीं करता, आप उसको नहीं मार सकते। अब आपको क्या करना है, करके सीखने पे बल देना है, उनको प्रैक्टिकल कराना है, यदा रटने पे बल नहीं देना है, उनको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से सिखाना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आई, जब आपने शिक्षा के उद्देश्य को मनोवैज्ञानिक आधार पे बनाया। हमने ये माना कि मनोवैज्ञानिक तरीके से, आप देखना आजकल के बच्चों के स्कूल में ज़्यादा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जैसे कि राखी बनाना है, कृष्ण जन्माष्टमी पे हमें ये बनाना है, नई नई चीज़ों को बनाना है। क्यों? अब इसमें बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट, और स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि साइकोलॉजी ये कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किताबों के जरिए से पढ़ाएं, आप उनको खेल के माध्यम से पढ़ाएं, उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से, जिसको हम पीयर कोऑपरेशन कहते हैं ना, सहगामी अध्ययन, यानी बच्चों के साथ रहकर पढ़, तो इन सारी चीज़ों पर बल दिया गया है। ये किसके आधार पर? वो मनोवैज्ञानिक आधार पर। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर भी आप शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जिसको हम मनोवैज्ञानिक तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को तारीफ करके पढ़ाना, बच्चों को दंड ना देना, बच्चों को फेल ना करना। बच्चों को फेल ना करना भी क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा का उद्देश्य है, क्योंकि ये मानता है कि बच्चों को फेल करेंगे तो उनको मेंटली लगेगा कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, और वो पढ़ाई से खुद को रोकने लगेंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना। ये सारी चीज़ों के मनोवैज्ञानिक आधार। अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट आएगा दोस्तों वैज्ञानिक। वैज्ञानिक आधार की बात करें तो बस आपको ये लिखना है कि समाज के साथ अपने आप को स्टेबल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका या दूसरे कंट्रीज आगे बढ़ते जाएं और आप यहीं पे नैतिक और मनोवैज्ञानिक पे रह जाएं। नहीं, आपको क्या करना है, वैज्ञानिक आधार पे पूरे देश के साथ बराबर चलना है। जैसे अभी हमारे देश ने क्या किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और हम चंद्रमा के साउथ साइड पे, साउथ पोल पे हम क्या करें, लैंड करें। ये विश्व में पहली बार हुआ। तो आपको विश्व में भी सबसे आगे रहना है, विश्व में भी सबसे बेहतर रहना है। मनोविज्ञान इस आधार पे आप क्या करेंगे, शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए वैज्ञानिक आधार भी, साइंटिफिक बेस भी क्या होता है, एक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने का आधार होता है। मनोवैज्ञानिक विकास का कारण जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। अंधविश्वास को दूर करना वैज्ञानिक आधारों पर उद्देश्य को निर्धारित होता है। अंधविश्वास को दूर करना, ठीक है, ये भी मतलब हम साइंटिफिक चीज़ें लाएं। जैसे मान लो कोई कोई बड़े बड़े अंधविश्वास होते हैं कि हम पहले ये करेंगे वो करेंगे, इन सब को दूर करके हम क्या करना है, वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना है। वैज्ञानिक विकास में मनुष्य को यथार्थवादी बनाया जाता है। यथार्थवादी का मतलब जो सच हो, देखो, सच्चाई को जानो। चांद की कल्पना में खोने वाला
कवि आज विज्ञान के पंख पर बैठकर उपाद तक पहुंच सकता है, ऊंचाई तक पहुंच सकता है। चांद की यथार्थता उसे ज्ञात होती है। कार्यकरण संबंधों में मनुष्य को वैज्ञानिक चिंतन दिया जाता है, इसी से उसे यथार्थवादी आधार प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक आधार पर भी शिक्षा के उद्देश्य को आपको निर्धारित करना है, ताकि समाज में जो अंधविश्वास है चली आ रही, जो रूढ़िवादता चली आ रही है, जैसे कि बहुत सारी रूढ़िवादता है अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, लिंग विभेदीकरण कि बच्चा बड़ा होता है बिटिया क्या करेगी पढ़ लिख के घर का चूल्हा, ये सारी चीज़ें क्या है, अंधविश्वास है, जेंडर बायसनेस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इन चीज़ों को खत्म करते हुए आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक उद्देश्य भी तय करने हैं। कहने का मतलब है चार पॉइंट आपने देखा कि शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण किस आधार पर कर सकते हैं। चार प्रमुख आधार आपने देखा, वैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार और दार्शनिक आधार। इन चार आधारों पर आपको क्या करना है, लिखना है। सवाल कई बार पूछे जाते हैं, मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मिलेंगे ना, तो आप ये देखिए ये क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता कि इस पर मैंने PDF में क्या लिखा है, ये मैटर करता है कि आप कितना समझ गए, क्योंकि ये सारी चीज़ तो सीरीज में लिखी है, किताब में लिखी है। आप जो समझ जाएंगे उसी आधार पे आप एग्जाम में लिखेंगे और देखिएगा समझा हुआ ही आपके एग्जाम में याद आएगा। यहाँ तक बात खत्म। अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो, शॉर्ट में चीज़ों को समझना हो, तो जॉन डेवी की इन बातों को याद कर लीजिए। जॉन डेवी कौन थे? जॉन डेवी प्रमुख दार्शनिक रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छे उद्देश्य वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर देश काल और परिस्थिति संबंधित होते हैं। जैसे जैसे देश बदलता है आपकी शिक्षा के उद्देश्य बदलते जाते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है शिक्षा के उद्देश्य बदलते जाते हैं, जैसे जैसी परिस्थिति बदलती जाती है शिक्षा के उद्देश्य बदलते जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अच्छे उद्देश्य दोस्तों वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर देश समय और परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। उद्देश्य में समय तथा परिस्थिति के अनुसार लचीलापन अवश्य होना चाहिए। यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य समय की मांग को पूरी नहीं करता तो वो अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि शिक्षा का कोई ऐसा उद्देश्य है जिसको आप हमेशा उसको ढो के लेके चले, नहीं। अगर आपको लगता है कि वर्तमान स्थिति वर्तमान समय में इसका इस्तेमाल नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छे उद्देश्य की पूर्ति की प्रक्रिया सरल होती है, मानव शक्तियों को उसे स्वतंत्रतापूर्वक प्रयुक्त होने का अवसर मिलता है। जो अच्छे उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया आसान रखनी चाहिए, सरल रखनी चाहिए, और मानव जो भी हमारी शक्तियाँ उसको स्वतंत्र रूप से हम प्रयुक्त करके उस अवसर उसको प्राप्त कर सके, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। कुल मिला जुला के दोस्तों यहाँ तक आपने ये समझा कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करने, अब यहाँ से अगर आपको शिक्षा का उद्देश्य भी पूछता है तो आप बखूबी तौर पर शिक्षा के उद्देश्य को लिख सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण का आधार पूछता है तो आप लिख ही सकते हैं। यह पॉइंट आपको हेल्प करेगा कि शिक्षा के उद्देश्य की विशेषताएं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछ दे कि शिक्षा के उद्देश्य की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप इस आधार पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि क्या कि शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो आधार परिस्थितियों के आधार पर देश काल और परिस्थिति से संबंधित होते हैं। इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है भाई, समय इसको थोड़ा लचीलापन रखना चाहिए, अगर समय में उसकी आवश्यकता तो नहीं उसे छोड़ भी सकते हैं। समय की आवश्यकता किसी नए उद्देश्य को को प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों एक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो। तो आपने देखा, आपने उद्देश्य समझा, उद्देश्य के आधार समझे और उसकी विशेषताएं भी समझी। एक शॉर्ट से क्वेश्चन में आप इतनी चीज़ें समझ गए। अब आपको काम है कि आप इसको एग्जाम्स में लिखें, पर समझते चलिए, ऐसा नहीं कि वो किताबी लैंग्वेज। अब सवाल इसी से घुमा देता है और खास तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में तो बहुत क्वेश्चंस को चेंज करता है। तो इस आधार पे आप लिख लेंगे, बखूबी लिख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अगर यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गया हो तो। अब एक सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ, याद रख लीजिए दोस्तों। तीन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और तीन पॉइंट में से एक पॉइंट आपको कल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट बस इतना है कि शिक्षा के अभिकरण, ये शब्द याद रखिएगा, शिक्षा के अभिकरण, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एजुकेशनल एजेंसीज, ठीक। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ठीक। अब इनमें से कौन सा पूछ दे, ये तो खैर पैटर्न बनाने वाले एग्जाम बनाने वाले जानते हैं, लेकिन एक तो जरूर पूछेगा। तो आइए जरा हम एक, जैसे 2022 में आपसे पूछा था शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, यहाँ पे अभिकरण, ठीक है, अभिकरण पूछा था। औपचारिक मतलब फॉर्मल एजेंसीज पूछा था। हम साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि पहले एजेंसीज क्या होती है, अभिकरण क्या होता है, उसके बाद जो तीनों प्रकार होंगे शॉर्ट में देख लेंगे, क्योंकि पूछता ही है और हो सकता है इस बार आपका अनौपचारिक पूछ ले या निरौपचारिक पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं शिक्षा के अभिकरण के बारे में। अच्छा ये बताइए एजेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे मोबाइल की एजेंसी है, वहाँ का आपको मोबाइल मिल जाता है, बाइक की एजेंसी में बाइक मिल जाएगा, फोर व्हीलर की एजेंसी में आपको फोर व्हीलर मिल जाएगा। एजुकेशनल एजेंसी का क्या मतलब? बहुत शॉर्ट में दोस्तों, वह इंस्टीट्यूट, वह संस्था, वह कारक, वह स्थान, वह जगह, वह समाज जहाँ से आपको शिक्षा प्राप्त होता हो उसे हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशनल एजेंसीज कहते हैं, शैक्षिक अभिकरण कहते हैं।
अभिकरण साधन अंग्रेजी शब्द में एजेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजेंसी का अर्थ होता है एजेंट का कार्य। एजेंट किससे हमारा तात्पर्य उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। अतः शिक्षा के अभिकरण वे तत्व, यहाँ से याद रखिएगा कि शिक्षा के, दोस्तों शिक्षा के अभिकरण वे तत्व हैं, कारक कारण स्थान या संस्था है जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। दोस्तों एजेंसी शैक्षिक अभिकरण क्या है, शैक्षिक अभिकरण यहाँ पे साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा है कि शिक्षा के अभिकरण वे तत्व कारण स्थान या संस्था है जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। अब कौन कौन से शैक्षिक प्रभाव डालते हैं आप पे, स्कूल, स्कूल से आपको शिक्षा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपके दोस्त पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपका परिवार पड़ता है। टेलीविजन, टेलीविजन कैसे देखते हैं प्रभाव पड़ता है, पड़ता है। समाचार पत्र कैसे पढ़ते हैं, पढ़ता है। नई नई शिक्षा नीति, तो ये सारी चीजें क्या हुई शैक्षिक अभिकरण के अंतर्गत आती हैं। सवाल आपसे पूछा था कि औपचारिक अभिकरण के बारे में बताइए। तो देखिए औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब दोस्तों जैसे स्कूल जहाँ पे फिक्स होता है, मान लीजिए स्कूल में आप सुबह 9 बजे गए, 2 बजे तक, 3 बजे तक आपने पढ़ाई करी, ठीक। आपका मन ये करता है कि हम 4 बजे जाएंगे, जा सकते हैं आप, नहीं जा सकते ना। स्कूल आने की टाइम फिक्स होती है कि भैया आपको इसी टाइम पे आना है। स्कूल से जाने का टाइम फिक्स होता है कि आपको इसी टाइम पे जाना है। स्कूल में पढ़ने का समय, स्कूल में पढ़ने के सब्जेक्ट, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी फिक्स होते हैं कि हाँ आपको ये पढ़ना है। तो दोस्तों औपचारिक अभिकरण का मतलब उन संस्थाओं का संगठन कहा जाता है जो नियमानुसार संगठित होते हैं। अब कहोगे सर इसके विपरीत क्या हो सकता है, मैं कहता हूँ परिवार। मम्मी पापा से आपको संस्कार सीखना है, दोस्त से आपको संस्कार सीखना है, तो क्या यहाँ पे फिक्स टाइम की जरूरत है कि मम्मी पापा सुबह ही सिखाएंगे? नहीं, वो तो कभी सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो जिन संस्थाओं का दोस्तों, जिन संस्थाओं का नियमानुसार संगठित होती हैं, इन संस्थाओं में शिक्षा की प्रक्रिया सविचार प्रक्रिया होती है। समाज की उत्तरदायी पुरुष या नई पीढ़ी को शिक्षित करने हेतु योजनाएं बनाते हैं। औपचारिक अभिकरण शिक्षा की प्रक्रिया नियोजित ढंग से चलती है। यहाँ देख लें, नियोजित ढंग से मतलब प्लानिंग ढंग से चलती है। कैसे, एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा, निश्चित विद्यार्थी तथा निश्चित योग्यता के शिक्षक होंगे, कार्यविधि भी निश्चित होती है, पूरी प्रक्रिया किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में संचालित की जाती है, शिक्षण की विधि को सुनियोजित होती है, स्थान समय सब कुछ निश्चित होता है, कुछ आवश्यक नियम होते हैं जिनका शैक्षिक और शिक्षार्थी दोनों पालन करते हैं। तो इस तरीके के अभिकरण को क्या कहते हैं दोस्तों, औपचारिक। इस तरह के एजेंसी को हम फॉर्मल एजेंसी कहते हैं। पढ़ने वाला भी निश्चित, पढ़ाने वाला भी निश्चित, पढ़ने का समय निश्चित, पढ़ने का स्थान निश्चित, पढ़ने का पाठ्यक्रम निश्चित, पढ़ाने की विधि निश्चित, कुछ सुनिश्चित विधि होती है। तो इस तरीके का अभिकरण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, औपचारिक अभिकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका स्कूल हो गया, विद्यालय हो गए, कॉलेजेस हो गए, ट्यूशन इंस्टीट्यूट हो गए, इस तरीके की चीज़ें क्या हो गई, औपचारिक अभिकरण हो गए। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत अच्छा। निरौपचारिक मतलब, इनफॉर्मल मतलब जैसे आपके परिवार, आपका समाज, आपका दोस्त, ये निरौपचारिक हो गए। और ये अनौपचारिक हो गए। निरौपचारिक का मतलब जैसे डिस्टेंस लर्निंग, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ना, तो ये नहीं, हम इसको देखेंगे। हालांकि हमने एक वीडियो में ऑलरेडी देखा रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा हम देखते रहेंगे। फिलहाल इसमें हमने ये देखा शिक्षा के अभिकरण का मतलब वह संस्था, वह कारक, वह स्थान जहाँ जो आपको शैक्षिक रूप से प्रभावित करता हो, शैक्षिक अभिकरण कहलाता है। उसमें आपने औपचारिक देखा जहाँ पे समय, स्थान, पढ़ने वाले सब निश्चित होते हैं, निश्चित विधि होती है। ये सारी चीजें क्या हो गई, औपचारिक अभिकरण हो गई। अगला सवाल देखिए, इसकी जरूरत क्यों है दोस्तों, इसकी जरूरत क्यों है, औपचारिक अभिकरण की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो दोस्तों औपचारिक अभिकरण की आवश्यकता क्यों है, क्यों अगर हमें लगता है कि हम समाज से सीख सकते हैं तो हमारे विद्यालय की जरूरत है। देखिए समय की बचत के लिए, अगर मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, किसी को टीचर बनना हो, तो आपका उस हिसाब से करिकुलम, उस हिसाब से आपका पाठ्यक्रम सेट होगा और आप उसी आधार पर पढ़ते हुए। अब जैसे मान लीजिए आपको बनना डॉक्टर है, आप पढ़ रहे हैं कॉमर्स, तो कॉमर्स का मेडिकल में क्या यूज़ हो सकता है, या फिर आपको पढ़ना डॉक्टर ही, अगर बनना डॉक्टर है तो बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो अभिकरण होते हैं, जो हमारे औपचारिक अभिकरण, जो फॉर्मल एजेंसीज होते हैं, वो एक फिक्स करिकुलम बनाते हैं जिस पे आप पढ़ेंगे, जिसके आधार पर पढ़ेंगे, तो आप निश्चित तौर पे कम समय में वो सही चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बालक विद्यालय में जाकर विद्या अध्ययन करता है, वह शिक्षा प्राप्त करता है, यद्यपि उसे बाहर से शिक्षा भी मिलती रहती है, परंतु वह एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार चलता है। इससे शक्ति का अपव्यय नहीं होता, समय की बचत होती है। हो सकता है कुछ विद्यालयों में अगर ठीक से नहीं कार्य कर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें खराब हो गई। तो औपचारिक अभिकरण आपको एक निश्चित दिशा में पढ़ाती है, एक निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार आपको शिक्षा देती है, इसीलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। इससे समय की बचत होती है, बच्चा हमेशा जुड़ा रहता है और सही समय से वो पढ़ता रहता है। ये हो गई दोस्तों औपचारिक अभिकरण की आवश्यकता, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे याद रखिए। एक सवाल तो आपको कन्फर्म पूछेगा, वो है दोस्तों लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं।
जेंडर डिफ्रेंशिएट या फिर डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या समझते हैं? देखो, बहुत ही साधारण तौर पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ये है कि हम ये समझें कि जो एक किसी एक जेंडर को किसी एक को हम दूसरों से कम आंकते हैं, जैसे मान लीजिए महिला को पुरुष से कम आंकते हैं, इस तरीके की सोच जो होती है वो डिस्क्रिमिनेट करती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाता है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य क्या है भाई? लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। वह घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया के हर जगह में प्रचलित है। ठीक है, कुछ संख्याएं देख लीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव से की जड़ें कितनी मजबूत हैं और ये चीज़ें होती रहती हैं। अब इसमें कुछ और देखिए कि कौन कौन से क्षेत्र में लैंगिक असमानताएं आपको नजर आती हैं। पहला दोस्तों सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में अगर हम ये सोचते हैं कि पुरुष का कार्य है कि घर से बाकी घर के बाहर जाके पैसे के इंतजाम करना और महिला का कार्य है घर का देखभाल करना, तो इस तरीके के समाज के रूप में जब हम एक समाज के रूप में पुरुष को अधिक सम्मान देते हैं, महिला को कम सम्मान देते हैं, पुरुष को अधिक मौके देते हैं, महिला को कम मौके देते हैं, वो सामाजिक तौर पर सामाजिक रूप से हम महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लैंगिक भेदभाव करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में का मतलब ही यही है दोस्तों, जब हम जैसे मान लीजिए किसी जॉब के लिए प्रेफरेंस हो तो आप पुरुषों को प्रेफरेंस ज़्यादा दें, या फिर सैलरी की बात करें पुरुषों की सैलरी ज़्यादा दें, तो उस हिसाब से क्या होता है आर्थिक क्षेत्र में भी ये चीज़ें होती हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में तो किस किस क्षेत्र में दोस्तों? सामाजिक क्षेत्र, दूसरा आर्थिक क्षेत्र, और तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों? राजनीतिक क्षेत्र में। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में भी आप समझ सकते हैं, जैसे बहुत बहुत सी बड़ी पार्टियां जो राजनीतिक पार्टियां उसके कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रहे? बहुत कम। अगर हम बात करें, अगर जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार है, तो जैसे बसपा में मायावती तो खैर ठीक है, वो राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, समाजवादी पार्टी में कोई नहीं रहा, कांग्रेस में भी सोनिया गांधी रही हैं और इंदिरा गांधी ये लोग रहे हैं, भाजपा में भी मुझे भी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो आप इस क्षेत्र में भी देखेंगे या फिर संख्याएं देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में कितनी महिलाएं विधायक हैं, कितने पुरुष विधायक हैं, कितनी महिला सांसद हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या होता है दोस्तों? डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम मानते हैं कि अरे यार महिला है क्या, घर से बाहर निकल के कहां दौड़ भाग करेगी, तो होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी दोस्तों, कोई भी मूवी जब रिलीज होती है तो आप उस मूवी को कम हीरो के नाम से याद रखते हैं, हीरोइन के नाम से कम याद रखते हैं, और सेम मूवीज के लिए हीरो को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, महिला को पैसे कम मिलते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। खेल के क्षेत्र में भी दोस्तों, इंडियन क्रिकेट के मेल वर्जन की जो टीम होती है उसके कैप्टन के नाम तो सबको याद होंगे, लेकिन फीमेल टीम के नाम बहुत कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, पुरुष फुटबॉल टीम के कैप्टन को सब जानते हैं, महिला फुटबॉल टीम भारत की कौन है मुझे भी शायद नहीं पता। ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है हर एक क्षेत्र में। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे आपको लैंगिक असमानताएं दिखाई देती है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर कारण की बात करें, क्या कारण हो सकता है, क्या क्यों ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो पुरुष प्रधान समाज है भाई हमारा, हम पुरुष प्रधान समाज है, हर क्षेत्र में पुरुष को प्रमुखता दी जाती है, तो ये हमारा एक कारण हो गया। दूसरा, देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली दोस्तों एक दूसरे को फॉलो करते हैं आप, ठीक है, शिक्षा का अभाव भी आप इसका कारण मान सकते हैं, ठीक। पुरुष प्रधान समाज का मतलब दोस्तों एक और चीज़ मान सकते हैं आप, आपकी मान्यता है, जो धार्मिक मान्यता है वो मान सकते हैं। कैसे? जैसे कि मुख्य अग्नि बेटा दे सकता है, बेटी नहीं दे सकती, जनाजे को कंधा बेटे ही ले जाते हैं, महिलाएं घर में रह जाती हैं, और भी कुछ संस्थाएं मान लीजिए कि एक आँख को आँख नहीं कहते, मतलब अगर बेटा ना हो तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, बेटों का परिवार का वंशज बेटों से आगे बढ़ता है, इस तरीके की सोच मान्यताएं भी क्या हो सकती है, महिला विभेदीकरण के, महिला डिस्क्रिमिनेशन की असमानता के कारण हो सकते हैं, राइट। लिख लेंगे ना, ये आसान सा टॉपिक है, जनरल सा टॉपिक है सवाल, लेकिन डेफिनेटली पूछेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, डेफिनेटली आपसे सवाल पूछेगा, याद रखिएगा, लिख आएगा जरूर, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई इस सवाल की, एक और समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, चले इसको देखते चलिए मैं यकीन मान रहा हूँ, कह रहा हूँ यकीन तौर पर कि आप इसको समझेंगे ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगा, एग्जाम में आप इसी आधार पर आसानी से लिख सकते। तो इसीलिए मैंने इसको आम बोलचाल की भाषा में आपके लिए डिज़ाइन किया है, करेक्ट। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है, समाजीकरण में परिवार की भूमिका। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछेगा ही, आपके विषय का क्या नाम है? फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है। पहले ये देखिए कि समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण का मतलब होता है एक प्रक्रिया है समाजीकरण, जिसमें बालक यानी कि विद्यार्थी समाज के अनुरूप अपने आप को ढालने लगता है, समाज के लिए क्या सही है वो उस हिसाब से वो चलने लगता है,
समाज के लिए जो गलत है उस चीजों का त्याग करता है। मतलब जब एक व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु आगे चलकर समाज का एक उत्तरदायी सदस्य बनता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात बालक का पालन पोषण कैसे किया जाए वह समाज के एक योग्य सदस्य में कहलाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, उसके पालन पोषण की, क्योंकि परिवार में जिस हिसाब से उसका पालन पोषण होता है उसी हिसाब से वो आगे चल के बनता है। समाजीकरण उन सभी प्रयासों का समूह के रूप में बोला जाता है जिसका उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति में जो मान्यताएं हैं उनका अनुसरण करते हुए सफल नागरिक बने। जो भी हमारी मान्यता है उसको पालन करते हुए, उसका नकल करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए एक सामाजिक व्यक्ति बने। अतः कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान की गई सामाजिक संस्कृति ग्रहण करने के साथ ही समाज के कर्तव्य का पालन करते हुए समाज के क्रियाशील सदस्य बनाए। सरल शब्दों में बोला जा सकता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यक्तित्व बनता है वही क्या होता है दोस्तों, समाजीकरण कहलाती है। तो जिस प्रक्रिया समाजीकरण क्या है, सरल शब्दों में एक व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाने की प्रक्रिया है। चलिए अब हम बात कर लें कि परिवार का क्या योगदान है समाजीकरण में, तो बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। क्यों? कि परिवार बालक का प्रथम विद्यालय होता है, प्राथमिक अभिकरण होता है जहां से बच्चा सीखता है। तो यही से बालक सर्वप्रथम समाज का आरंभ होता है। किसी कारण से परिवार का बालक सर्वप्रथम पाठशाला कहा जाता है। इसी कारण से परिवार ही वह जगह है जहाँ बालक का आदर्श नागरिक पाठ सिखाया जाता है। बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले परिवार के कुछ तत्व हैं, जैसे माँ की भूमिका। माँ की प्रमुख भूमिका होती है क्योंकि बच्चा सबसे करीब, सबसे ज्यादा माँ के पास रहता है, तो माँ की भूमिका होती है। अब माँ उसके साथ उसका घनिष्ठ संबंध होता है, तो माँ जिस अनुरूप उसको ढालना चाहे उसको ढाल सकती है। अधिक लाड़, अभी आपने ये भी सोचा होगा कि अधिक लाड़ प्यार, मतलब उसकी गलतियों को अगर आप छुपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे आप असामाजिक व्यक्ति बना रहे हैं। तो लाड़ प्यार बहुत जरूरी है लेकिन अधिक नहीं, मतलब एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, तो आप उसको बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। गलती है उसको समझाइए, गलती को मना करिए, लेकिन गलतियों का बढ़ावा मत करिए, ज्यादा सपोर्ट मत करिए। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों जो बच्चों का समाजीकरण बनाते हैं। माता पिता का आपसी संबंध भी प्रमुख भूमिका निभाता है कि माता पिता के आपसी संबंध कैसे है। उनका आपसी संबंध अच्छा होगा तो बालक पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपसी संबंध होगा तो बालक पे खराब प्रभाव पड़ेगा, राइट। चलिए, माता पिता का बच्चों के साथ संबंध कैसा है, डांट के बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, मतलब बच्चों को कैसे आप प्यार से उसको समझाएंगे, तो ये बच्चों को ज्यादा समाजीकरण बनाएगा, ज्यादा सामाजिक व्यक्ति बनाएगा। ये वो सारे पॉइंट है, ठीक। मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में वीर बहादुर यूनिवर्सिटी का झांसी का, सॉरी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये माता पिता के साथ कैसा संबंध है बच्चों को, उस हिसाब से आप क्या होते हैं, सामाजिक बनते हैं। बच्चों के अन्य संबंधियों के साथ संबंध कैसे हैं, भाइयों के साथ कैसे रहता है, बहनों के साथ कैसे रहता है, चाचा चाची के साथ कैसे रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा केवल अपने माता पिता की इज्जत करता हो, दूसरों की इज्जत नहीं करता, तो वो फिर वो सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सकता। क्या दूसरों के साथ उसका सहयोग की भावना है, दूसरों के साथ उसका प्रेम की भावना है, दूसरों को भी सम्मान देता है, जी हाँ देता है, तो एक सामाजिक व्यक्ति बन सकता है। परिवार की आर्थिक नीतियाँ कैसी हैं, परिवार किस आर्थिक नीतियों पर चलता है, जैसे परिवार मान लीजिए ये कहता हो कि हम गरीब रहेंगे लेकिन गलत काम से पैसे नहीं कमाएंगे, इस तरीके की नीति बालक को एक अच्छा सामाजिक व्यक्तित्व बनाती है। ये वो सारे पॉइंट है दोस्तों जिसके आधार पर आप लिख सकते हैं कि कैसे बच्चे के अंदर समाजीकरण की भूमिका आती है। कुछ और पॉइंट है, जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार और असंयुक्त परिवार। आप अक्सर देखेंगे ज्वाइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक तौर पर ज्यादा बेहतर होते हैं कंपेयर टू दस जो असंयुक्त परिवार होते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। उसमें क्या होता है कि बच्चा केवल अपने मम्मी पापा के साथ है, तो वो दादा दादी चाचा चाची बुआ इन लोगों का प्यार उसे नहीं मिल पाता है, तो इससे वो असामाजिक व्यक्ति बनने के संभावना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बन जाता है, लेकिन हाँ ज्वाइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में उसे ज्यादा मौके मिलते हैं सामाजिक व्यक्ति बनने में, करेक्ट। चलिए, ये पॉइंट मैं आशा करता हूँ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बस लास्ट एक कमेंट देख लीजिए कि संक्षेप में यह कह सकते हैं कि बालक के समाजीकरण में बहुत सी संस्थाएं योगदान देती हैं, फिर भी परिवार में योगदान सबसे ऊपर है क्योंकि समाजीकरण की पहली शिक्षा बच्चा परिवार के द्वारा ही सीखता है। परिवार के बाद बच्चा स्कूल द्वारा समाजीकरण करना सीखता है, परंतु समाजीकरण में शिक्षा में परिवार का महत्वता को नकारा नहीं जा सकता। सो फैमिलीज के इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं। इस प्रश्न में आपने समाजीकरण को समझा, सामाजिक की संस्थाएं में परिवार का योगदान समझा, परिवार के कौन कौन ऐसे पॉइंट हैं जो उसको प्रभावित करते हैं ये आपने देखा।
आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सही सवाल आपसे जरूर पूछ सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आइए, एक और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की क्या भूमिका है, मतलब राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन में क्या है शिक्षा की भूमिका। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय एकता क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए बहुत ही शॉर्ट में अगर हम कहें नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता के बारे में, तो जब कोई व्यक्ति अपने आपसी जाति धर्म संप्रदाय समुदाय क्षेत्र भाषा को त्याग कर एक राष्ट्रीयता के रूप में खुद को समझता है और अपने स्वार्थ को अलग रख के राष्ट्र के स्वार्थ को बेहतर समझता है, तो वो राष्ट्रीयता की भावना होती है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है दोस्तों राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, जिसमें आपकी जाति के हैं धर्म के हैं संप्रदाय के हैं उसको त्याग कर क्या करना है भाई, एक राष्ट्र एक निवासी के रूप में अपने आप को समझना है, उनमें एकता की भावना पैदा करती है, ये राष्ट्र की भावना। इस भावना को विकसित होने में व्यक्ति केवल अपने हितों का ध्यान नहीं रखता वरन अपने समाज और राष्ट्र के हितों का भी ध्यान रखता है और राष्ट्र के आगे अपने व्यक्तित्व पारिवारिक जाति धार्मिक हितों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपने खुद के फायदों को अलग करके राष्ट्र के फायदे वाला काम करेंगे। तो ये हो गई दोस्तों राष्ट्रीय एकाकीकरण नेशनल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है राष्ट्रीय एकता और शिक्षा, मतलब अब शिक्षा की क्या योगदान है, शिक्षा की क्या भूमिका है, उसको जरा समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। ठीक है चलिए, तो राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है भाई, शिक्षा है। शिक्षा द्वारा ही हम देश प्रेम के भावी नागरिकों आवश्यक प्रेरणाएं एवं गुण उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं मतलब ये दोस्तों कि शिक्षा के माध्यम से ही हम बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र में एकता की भावना, राष्ट्र को आगे ले जाने की भावना, इस तरीके की भावनाएं हम जागृत कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे समाज में जो विघटनकारी तत्व फैले हुए हैं, जो असामाजिक तत्व फैले हुए हैं, उनको हम दोस्तों राष्ट्र के एकता के विकास में जो उत्पन्न कर रहे हैं बाधा, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, केवल शिक्षा के माध्यम से ही रोक सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही ऐसे तत्वों का हम क्या कर सकते हैं, ऐसी बुराइयों का मिटा सकते हैं और जो बच्चे हैं उनको हम समझा के राष्ट्रीय एकता की तरफ उनको वापस ला सकते हैं और राष्ट्र के वृद्धि में राष्ट्र के विकास में उनका योगदान हम ले सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। थोड़े हमने शिक्षा की तारीफ कर दी, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास करने के लिए शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। कैसे, छात्र में विभिन्न संस्कृतियों के प्रति आदर की भावना को जागृत करना, मतलब जैसे हमारे यहाँ कई संस्कृति कई सभ्यता है, तो आप अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को मानिए लेकिन दूसरों की संस्कृति सभ्यता का सम्मान करिए, इस तरीके की भावना जब हम बच्चों के अंदर लाएंगे तो ये क्या होगा, राष्ट्र के विकास के लिए सहायक होगा। उनके अंदर अच्छे व्यवहार का निर्माण करना, अच्छे व्यवहार का विकास करना, उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत करना, उनके अंदर व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, प्रजातांत्रिक नागरिकों का विकास करना, दोस्तों एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक नागरिक का विकास करना, और छात्रों में मानवीय संबंधों के प्रति आस्था पैदा करना। मानवीय संबंध मतलब जो भी इंसानियत के तरीके हैं, जो भी इंसानियत के संबंध है, प्रेम सद्भाव सच्चाई बुराई का त्याग अहिंसा, इस तरीके की क्या करना दोस्तों, इसके प्रति उनका सम्मान पैदा करना, इसके प्रति उनकी आस्था लेके आना। छात्रों में अपनी योग्यता के अनुसार राष्ट्र की सर्वोत्तम सेवा करने की भावना का विकास करना, बच्चों को ये बताना कि आपकी जो योग्यता है उसी आधार पर आप जो बेस्ट से बेस्ट सर्वोत्तम कर सकते हैं राष्ट्र के विकास के लिए वो करिए, इस तरीके की जब हम भावना उसके अंतर्गत उत्पन्न करेंगे तो ये राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्व बोध दर्शन। अब देखिए इसको समझिए कि सवाल को कैसे घुमा दिया गया, ये बिल्कुल ऐसे ही सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन शास्त्र। अब यहाँ पे जो शब्द कहा गया है विश्व बोध दर्शन, विश्व बोध का मतलब क्या हुआ, बोध का मतलब क्या हुआ समझना, विश्व बोध मतलब संस्कार को संसार को समझना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार उनके दृष्टिकोण के अनुसार वो समाज को कैसे समझते थे, उनके अनुसार जो विश्व है वो कैसे है, ये दुनिया कैसे बनी, समाज कैसा बना, वो दुनिया को कैसे समझते थे, ये आपको जानना और ये आपसे सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। तीन रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी, इन तीनों में से एक सवाल तो जरूर पूछता है और पूछेगा ही, कभी कभी तीनों पूछ लेगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर समझिएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार विश्व बोध, वो कैसे विश्व को समझते थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने परमात्मा को विश्व का सर्वोच्च शक्ति के रूप में मानकर संस्कार के समस्त प्राणियों में अद्वैत भावना का संचार किया। समस्त विश्व को उन्होंने एक दृष्टि में से देखा, इन्हें अपने बचपन में ही वेद और उपनिषद पढ़ डाले थे,
कहने का मतलब है रविन्द्रनाथ टैगोर जी संस्कार को ईश्वर की देन समझते थे। उनका मानना था कि ईश्वर ने संस्कार की रचना करी। उपनिषदों के तत्व ज्ञान का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि मूलतः वे उपनिषदों के पृष्ठपोषक थे, परंतु उन्होंने उपनिषदों की चिंतन को मानवीय दृष्टि से देखा, समझा और उसके अनुरूप व्याख्या करी। उन्होंने ये बताया कि जो भी उपनिषद हैं, वेद हैं, वो कैसे इंसानियत के लिए बनाए गए, इस चीज़ को समझा और उन्होंने बताया। अब यहाँ से समझिए कि विश्व के बारे में वो क्या समझते थे। इनका विश्वास था कि संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा व्याप्त है, मतलब संसार के सभी व्यक्तियों में परमात्मा मौजूद है। इनके विचार से अपने और संस्कार संसार के अन्य समस्त प्राणियों में उस परमात्मा की व्याप्ति का अनुभव करने से विश्व के समस्त प्राणियों में एकात्म भाव उत्पन्न हो सकता है। कहने का मतलब ये, वो ये समझते थे कि भाई ईश्वर सभी के अंतर है, सभी के अंतर्गत नहीं है, तो जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और इस तरीके से एक भावना होगा, एक बड़ा ही प्रेम का भावना होगा, जैसे सब कोई माने कि भाई हम किसी को क्यों दुख पहुँचाए, और सभी के अंदर अगर ये सोच हो गई तो कितना संसार में सुखी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इनके विचार से अपने और संसार के अन्य समस्त प्राणियों में उस परमात्मा की व्याप्ति का अनुभव करने से क्या भाई, विश्व के समस्त प्राणियों में एकात्म भाव उत्पन्न हो सकता है, और यही आत्मानुभूति का सर्वोत्तम मार्ग है, यही दोस्तों ईश्वर की प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इनकी इस विचारधारा को विद्वानों ने बौद्ध विश्वबोध दर्शन की संज्ञा दी। इसको समझ लीजिए कि विश्वबोध दर्शन की संज्ञा किसको दी गई, इस लाइन को जरा फिर से देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ रिपीट हो गई है उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से देखिएगा, इनका विश्वास था कि संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा व्याप्त है, ठीक है। इनके विचार से अपने और संसार के अन्य समस्त प्राणियों में उस परमात्मा की व्याप्ति का अनुभव करने से विश्व के समस्त प्राणियों में एकात्म भाव उत्पन्न हो सकता है, और यही आत्मानुभूति का सर्वोत्तम मार्ग है। इनकी इस विचारधारा को विद्वानों ने विश्वबोध दर्शन की संज्ञा दी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है विश्व के बारे में। अब जब हम इसके विश्वबोध दर्शन को समझेंगे तो इन तीन प्रकार से समझेंगे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। इन चीज़ों को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या, आचार मीमांसा क्या है। देखिए, ये दर्शन की शाखाएं हैं। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की शाखाएं होती है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है, कोई इलेक्ट्रिकल होता है, कोई सिविल इंजीनियर, तो इसी तरह दर्शन की शाखाएं हैं। पहला है तत्व मीमांसा, पहले तत्व मीमांसा को समझिए, फिर हम समझेंगे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने तत्व मीमांसा के बारे में क्या कहा। जैसे मान लीजिए आप ये समझते हैं कि अरे यार इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, एक ही बार तो आना है, मस्त खाओ पियो, खुश रहो, चैन सुकून से रहो, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से मानते हैं कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया कुछ नहीं, एक हमारा रहने का घर है, एक जैसे कि हम आए पेड़ पौधे वैसे दुनिया बन गई, तो ये आपका तत्व मीमांसा बताता है कि आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं, कि ये दुनिया कैसे बनी, ये तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब इस दुनिया में आने का क्या ज्ञान है, इसको कैसे क्या हमें प्राप्त करना है। तो हम ये मानते हैं कि अरे सुख समृद्धि प्राप्त करना, खुश रहना, बस यही चीज है, तो ये हमारा ज्ञान मीमांसा हो गया। आचार मीमांसा का मतलब दोस्तों, आचार मीमांसा आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए इस संसार के प्रति। तो हम मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम मानते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए अगर हमें कभी किसी चीज़ को गलत करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एट द एंड सबको यही देखता है कि कौन कितना कामयाब है। तो इस तरीके की सोच आचार मीमांसा। लेकिन ये सारी जो सोच का मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो क्या है, गलत है, वो हम एक स्वार्थी सोच है। अब आइए देखते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इस संसार के बारे में क्या समझा और उन्होंने तत्व मीमांसा के बारे में क्या बताया। गुरुदेव मानते थे कि संसार को ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानते थे, इसलिए उनके अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित यह जगह उतना ही सत्य है जितना ईश्वर अपने आप में सत्य है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ये मानते थे कि ये जो संसार है उसको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। ईश्वर को उन्होंने निराकार और साकार दोनों रूप में स्वीकार किया। उनके अनुसार बीज रूप वह निराकार है और सृष्टि प्रकृति रूप में वो साकार है। उन्होंने माना कि ईश्वर साकार निराकार दोनों रूप में और इस संसार को ईश्वर ने बनाया। गुरुदेव को प्रकृति के कड़कड़ में ईश्वर की अनुभूति होती थी, वो मानते थे कि कड़कड़ में भगवान है, इस तरीके के वो गुरुदेव का मानना होता था। तो आपने देखा तत्व मीमांसा का मतलब, उन्होंने संसार सृष्टि की रचना का मतलब कैसे कहा, ईश्वर ने इसको बनाया है। अब आइए ज्ञान मीमांसा का मतलब, आपको इससे क्या ज्ञान प्राप्त करना है। गुरुदेव मानते थे कि ज्ञान के प्राप्ति के साधन में गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान, सूक्ष्म माध्यमों द्वारा भौतिक वस्तुएं एवं क्रियाओं का ज्ञान,
भौतिक माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इन्होंने माना कि आप सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा आध्यात्मिक अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने ईश्वर के ज्ञान को कर सकते हैं और भौतिक वस्तुओं द्वारा भौतिक वस्तुओं का ज्ञान कर सकते हैं। सूक्ष्म माध्यम से इन्होंने प्रेम योग को महत्व स्वीकार किया। इन्होंने स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल मार्ग प्रेम है। प्रेम ही हमें मानवता मात्र के प्रति संवेदनशील बनाता है, यही एकात्म भाव की अनुभूति करता है और यही हमें आत्मानुभूति ईश्वर की प्राप्ति करता है कराता है। टैगोर ने अन्य भारतीय दर्शन की तरह भौतिक आध्यात्मिक दोनों पक्ष को देखा। तो आपने देखा तत्व मीमांसा, मतलब गुरुदेव ने माना कि इस संसार की रचना, सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, और ज्ञान मीमांसा का मतलब ईश्वर को प्राप्त करना, आत्मभूति को प्राप्त करना, प्रेम को प्राप्त करना, योगों को प्राप्त करना, यही क्या है दोस्तों, इसकी ज्ञान मीमांसा है, यही हमें प्राप्त करना है। और अंततः दोस्तों जो एक आखिरी है आचार मीमांसा, आचार मीमांसा का मतलब आपका आचरण कैसा होना चाहिए। तो गुरुदेव मानवतावादी थे, मतलब इंसानियत मानते थे। वह मनुष्य को सबसे पहले अच्छा मनुष्य बनाने पर बल देते थे। ऐसा मनुष्य जो शरीर से स्वस्थ हो, मन से निर्मल और संवेदनशील हो, समस्त मानव जाति के प्रति उसके हृदय में प्रेम हो और जो प्रकृति के कड़ कड़ से प्रेम करता हो, यह प्रेम मनुष्य के आचार विचार का आधार बनना चाहते थे। इनका तर्क था कि प्रेम ही वह भावना है जो मनुष्य को मनुष्य के प्रति संवेदनशील बनाती है और मनुष्य को मनुष्य की सेवा के लिए बना करें। मतलब आचार मीमांसा में उन्होंने माना कि मानवता को माना, इंसानियत से रहिए, प्रेम से रहिए, एक दूसरे के सम्मान करिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भेदभाव मत रखिए, इस तरीके को उन्होंने आचार मीमांसा माना। तो विश्व दर्शन में याद रखिए, विश्व दर्शन में तीन प्रमुख पॉइंट है, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा में गुरुदेव ने कैसे माना, संस्कार उन्होंने ईश्वर की सृष्टि की रचना ईश्वर को माना कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, आकार निराकार दोनों रूप में वो ईश्वर को समझते थे और ईश्वर को प्राप्त करने को ही वो सच्चा ज्ञान समझते थे, और मानवतावादी उनके आचार होते थे और वो मानते थे कि आचरण इंसान का मानवतावादी होना चाहिए था। इस आधार पे आप इस चीज को लिखेंगे, बात समझ में आ गई। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में पूछता है तो भी आप इस तरीके से लिखेंगे। एक अगला पॉइंट देख लीजिए कि एक शिक्षा शास्त्री के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का मूल्यांकन, आपको क्या लगता है कि एक स्वामी विवेकानंद जी कितने अच्छे शिक्षा शास्त्री थे। तो चलिए देखिए, स्वामी विवेकानंद जी एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में माना जाते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण करना है, अर्थात शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए जो बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करते हुए संघर्षमय जीवन की बाधाओं का सरलतापूर्वक समाधान करना सिखा सके। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है, उन्होंने शिक्षा को इस प्रकार से माना है। तत्कालीन शिक्षा को उन्होंने मात्र ज्ञान ढूंढने वाली प्रक्रिया कहा। उन्होंने उनके अनुसार वह शिक्षा पूर्णतः बेकार है जो बालक की सृजन चिंतन व सृजन क्षमता का विकास नहीं करती है, मस्तिष्क शक्ति नहीं बढ़ाती है, चरित्र का निर्माण नहीं होता है मनुष्य अपने पर। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिक्षा व्यवस्था जिसमें सोच को, क्रिएटिव को, मानसिक शक्ति को, मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करने को नहीं सिखाती है, वह शिक्षा व्यवस्था बेकार है। और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को माना कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो आपके संघर्षपूर्ण जीवन को और बाहर लेके आए और क्या करें दोस्तों, आपको सफलतापूर्वक समाधान सिखा दे, दिला दे कि आप अपने जीवन में कैसे जिएंगे। ठीक है, अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा। भारत की शिक्षा में हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़े और उन्होंने स्वावलंबी बने, मतलब आत्मनिर्भर बने। स्वामी विवेकानंद जी युग दृष्टा और युग सृष्टा थे। युग दृष्टा या दृष्टि के नए भारत के निर्माण के लिए तत्कालीन शिक्षा में सुधार में उन्होंने अनेक सुझाव दिए। यही कारण है कि शिक्षा जगत के शिक्षा शास्त्री के रूप में जाने पहचाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ इनके शिक्षा विचारों और कार्यों के कुछ आलोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत है, अब यहाँ पे आगे कुछ लिखा जाएगा। उन्होंने शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या माना दोस्तों, शिक्षा का संप्रदाय क्या माना। उन्होंने माना शिक्षा का कॉन्सेप्ट कि स्वामी जी ने शिक्षा को ऐसे ज्ञान एवं कौशल के रूप में स्वीकार किया जो मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए आवश्यक हो। उन्होंने माना कि शिक्षा ऐसी हो जो इंसान को भौतिक जगत में तो विकास करे, साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत में विकास करे, क्योंकि खुद स्वामी विवेकानंद जी बड़े आध्यात्मिक भाव के व्यक्ति थे, उनका भी आध्यात्मिक ईश्वर के प्रति प्रेम बड़ा ही सचेत था। मनुष्य के भौतिक विकास की सृष्टि में उन्होंने उद्देश्य किया कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने, उसके आध्यात्मिक विकास को दृष्टि उद्देश्य किया जा सके।
इच्छा मनुष्य के अंतहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, उनके अंदर जो हमारे अंतहित जो हमारी विशेषताएं हैं, जो व्यक्तित्व है, उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में बताए थे कि शिक्षा कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए जो बच्चों का शारीरिक विकास करे, बौद्धिक और मानसिक विकास करे और उनका आध्यात्मिक विकास करे। तो ये सारे वो पॉइंट हैं जिनको उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के रूप में माना था। प्रमुख पॉइंट चरित्र का विकास करे, नैतिकता का विकास करे, धार्मिक विकास करे, व्यवसायिक विकास करे और समाज सेवी बनाए व्यक्तियों को इस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को माना। इसको मैं इसलिए शॉर्ट में रख रहा हूँ क्योंकि आप इसको स्वयं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये वो सारे पॉइंट है जिसको हम ऑलरेडी समझते हैं। दोस्तों इस वीडियो की एक लास्ट पॉइंट है, वो है दोस्तों गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार। ठीक है, इस वीडियो के बाद इसको हम समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में इन चीज़ों को समझा करेंगे। 3-4 वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा सवाल इसी वीडियो के अंतर्गत से आने वाला है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं शिक्षा के, गांधी जी के शिक्षा संबंधित क्या विचार थे। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं कि शिक्षा संबंधित गांधी जी के विचार क्या थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के आधार पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसा हो जो व्यक्ति को अच्छे बुरे में ज्ञान प्रदान कर सके, उन्हें नैतिकता के लिए प्रेरित करे। वे शिक्षा को मानव का सर्वांगीण विकास का माध्यम मानते थे। वो मानते थे कि शिक्षा ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास का कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके आत्मा, उसके मन, उसके शक्ति का हम डेवलपमेंट कर सकें। इसीलिए गांधी जी ने 3H का फॉर्मूला दिया था। 3H का मतलब H फॉर हेड, H फॉर हैंड और H फॉर हेड, हैंड और हार्ट, मतलब मन का विकास, बुद्धि का विकास और उनके कार्यों का विकास करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने 3H का फॉर्मूला दिया था। तो इस गांधी जी के शिक्षा संबंधित विचार क्या थे दोस्तों, कि वह शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। अतः वर्धा योजना में उन्होंने प्रथम 7 वर्ष की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने पर बल दिया था। गांधी जी का यह मानना भी था कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा अधिक रुचि तथा सहजता के साथ ग्रहण करता है, अतः वे आरंभिक शिक्षा व्यक्ति के उसकी मातृभाषा में दिया जाए। गांधी जी मातृभाषा के में शिक्षा देने के ऊपर ज्यादा बल देते थे। अखिल भारतीय स्तर पर अस्थायी भाषीय एकाकीकरण के लिए वह कक्षा 7 तक हिंदी भाषा में ही शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे। स्वावलंबन को महत्व दिए जाने के कारण गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि शिक्षा में लोगों के कौशल को बढ़ावा दे ताकि व्यक्ति लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से स्वावलंबी बन सके, मतलब खुद पर डिपेंड बन सके। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो जीविकोपार्जन का भी कुछ साधन इख्तियार कर सके। ठीक है, तो गांधी जी के शिक्षा संबंधित विचार क्या थे भाई, सर्वोत्तम विकास का सशक्त साधन मानते थे गांधी जी शिक्षा को। उनका मानना था कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। और गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में देखिए, कुछ कथाएं, कुछ यहाँ पे उनके प्रमुख उद्देश्य। उन्होंने चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षा को साधन माना। उन्होंने माना कि शिक्षा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो बालक का चरित्र का निर्माण करे, जीविकोपार्जन की क्षमता उसको बढ़ावा दे, सांस्कृतिक विकास हो, संगीत पूर्ण विकास हो दोस्तों, और व्यक्ति और सामाजिक उद्देश्य उन्होंने दिए थे कि कुछ बच्चों के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्देश्य निकले, कुछ सामाजिक उद्देश्य हो। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब वो आत्मनिर्भर बने, चरित्र का अच्छा बने, व्यक्तित्व का अच्छा बने, सामाजिक व्यक्ति बने, सामाजिक उद्देश्य में सामाजिक व्यक्ति बने, समाज के प्रति कर्तव्य हो और उनके ड्यूटीज को समझे, इस तरीके से उन्होंने कुछ शिक्षा के उद्देश्य दिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ उन्होंने गांधी जी ने पाठ्यक्रम किस प्रकार से रखे, उनका क्या मानना था कि शिक्षा में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। उन्होंने माना कि कटाई बुनाई, चमड़े का काम, कृषि, मिट्टी का काम, बागवानी, ये सारी चीज़ें शिक्षा में होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषा, जिन प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं हैं उसको भी महत्व उन्होंने दिया था। गणित में अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कला में संगीत, चित्रकला, नृत्य कला इत्यादि, इन सारी चीज़ों को उन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश करी और उनका मानना था कि ये सारी चीज़ों में शिक्षा होनी चाहिए। खेल कूद, व्यायाम, कुश्ती, ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत होनी चाहिए और आचरण संबंधी नैतिक शिक्षा, समाज सेवा, प्रार्थना एवं अन्य क्रियाओं का ज्ञान भी बच्चों के अंतर्गत होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने माना। दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, जैसा हमने कहा था कि यह पॉइंट इस वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट होने वाला है। इसी तरीके के 3-4 वीडियोस बनाए जाएंगे, आप देखते रहिए, समझते रहिए, आसान से भाषा में बनाने की कोशिश करी गई है। इसी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, आप आसानी से अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के जितने भी बच्चे जुड़े थे इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, सिलेबस को समझने में आसानी होगी क्योंकि किताब में अक्सर जो शब्द लिखे गए हैं वो समझ नहीं आता, तो ये आपको थोड़ा सहायता करेगा
और इस आधार पे आप आसानी से लिख सकते हैं। सब परीक्षा कुछ समय बचे, जितने भी समय बचे हैं दोस्तों सीरियसली इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। मैं आपके सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, इसके अलावा भी जितने सब्जेक्ट हैं वो भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, मैं आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, जैसा भी हो दोस्तों आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, कमेंट में हमें आपके रिएक्शन का इंतजार होगा। दोस्तों नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसके पार्ट टू के साथ और अन्य विषय के साथ, और इसके जो पार्ट टू है उसको हम देख लेंगे और इस तरीके से पूरा विषय हम समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।